हेलो एंड वेलकम टू फिनिश एजुकेयर। वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर ह्यूमन सेटलमेंट्स। ह्यूमन सेटलमेंट्स इज द सेवेंथ चैप्टर इन टेंथ महाराष्ट्र बोर्ड ज्योग्राफी। सो इन द फर्स्ट पार्ट वी हैव सीन विच आर द डिफरेंट काइंड ऑफ सेटलमेंट्स। वी हैव टॉक्ट अबाउट आई हैव टॉट यू अबाउट डिस्पर्स सेटलमेंट एंड आई हैव टॉट यू अबाउट न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। देन वी हैव सीन हाउ अर्बनाइजेशन हैज हैपेंड इन इंडिया। वी हैव सीन विच पार्ट्स ऑफ इंडिया आर मोर मोर इन विच पार्ट द पॉपुलेशन इज मोर एंड विच पार्ट पॉपुलेशन इज लेस। And we have seen the reasons why the population is more in some parts and why population is less in some parts. In the third part, in this part, we will talk about the urbanization in Brazil. Okay. So in the second part, we have seen about urbanization in India. So in 2011, 31.2% people were living in cities. Urbanization ka matlab kya hota hai? What is the meaning of word urbanization? Urbanization is a process in which रूरल एरियाज और विलेजेस आर गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सिटीज। मतलब रूरल एरियाज विलेजेस होता है उसका कन्वर्जन, उसका ट्रांसफॉर्मेशन सिटीज में होता है। और कुछ ऐसे रीजन होते हैं जिसके वजह से लोग विलेजेस में से निकल के सिटीज में आते हैं। ओके तो वैसे ही हम इंडिया का हमने देखा था कि 31.2% पीपल वेर लिविंग इन अर्बन एरियाज इन 2011। क्यों? क्योंकि 2011 में सेंसस होता है। सेंसस मतलब क्या होता है कि कंट्री में जितने लोग रहते हैं उनका काउंटिंग होता है, उनका एनालिसिस होता है। ठीक है, तो वैसे ही ब्राज़ील में जब भी हम देखेंगे ये डेटा दिया हुआ है। सो इन 1980 47.1% पीपल वर लिविंग इन अर्बन एरियाज। मतलब ब्राज़ील का जितना पॉपुलेशन है उसमें से 47.1% पीपल वर लिविंग इन अर्बन एरियाज। सिटीज़ में 47.1% लोग रहते थे, बाकी लोग गाँव में रहते थे, विलेजेस में रहते थे। देन इन 1970 56.8% पीपल वर लिविंग इन अर्बन एरियाज। 1980 66%, 1990 74.6%, 2000 81.5%, 2010 84.6%। मतलब आप देखोगे तो 2010 में 84.6% पीपल आर लिविंग इन सिटीज़। ये हम ब्राज़ील की बात कर रहे हैं। और इंडिया में देखोगे तो इंडिया में अराउंड 31% है। मतलब ब्राज़ील में सिटीज़ में लोग ज़्यादा रहते हैं एज़ कम्पेयर टू विलेजेस। ठीक है, अब यहाँ नीचे क्वेश्चन दिए हुए तो वो देखते हैं हम। What is the interval of the data? Interval मतलब क्या, कितने टाइम के बाद डेटा दिख रहा है हमें। तो हम देखेंगे तो या कितने गैप कितना है दो डेटा के बीच में। तो गैप है 10 years का। सो वॉट इज़ द इंटरवल 10 years। कैसे करना है इसको, इससे माइनस करना है। सो 1970 और 1960 तो बीच में गैप कितना हो रहा है 10 years। यहाँ भी देखोगे तो उतना 10 years है, यहाँ भी 10 years है। तो आंसर आएगा द इंटरवल ऑफ डेटा इज 10 years। इन विच पीरियड डिड अर्बनाइजेशन ऑकर रैपिडली। अभी रैपिड अर्बनाइजेशन मतलब क्या कि कौन से डिकेड में, 10 साल मतलब डिकेड होता है, कौन से डिकेड में जो अर्बनाइजेशन है वो ज़्यादा हुआ, मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गया सिटीज़ में। तो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है उससे इससे माइनस करेंगे। तो ये वैल्यू को इससे माइनस करेंगे। सो 56.8 माइनस 47.1, 66 माइनस 56.8, 74.6 माइनस 66, 81.5 माइनस 74.6, 84.6 माइनस 81.5। तो ये ऐसे माइनस करो आप, ये आंसर कमेंट करो कि आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू है उसे इससे माइनस करना है। सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 58.8 माइनस 47.1, देन 60। इसका अगर वैल्यू निकालना है इसमें कितना राइज हुआ तो इसको और इसको माइनस करो, इसमें कितना राइज हुआ देखना है तो 74.6 माइनस 66। ये आप ऐसा करो और मुझे कमेंट में बताओ कि कौन से डिकेड में पॉपुलेशन ज़्यादा राइज हुआ, अर्बनाइजेशन सबसे रैपिड हुआ। रैपिड मतलब बहुत ज़्यादा लोग बढ़ गए। ठीक है, राइट 5 sentences एनालाइजिंग द ग्राफ। ये ग्राफ को अगर ये इसको हम एनालाइज करेंगे, इसका ग्राफ भी बना सकते हो आप, ये ग्राफ बना बना के देखो। अगर हम इसे देखेंगे कि कैसे कितना पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो पहले हम देखेंगे तो हमेशा ब्राज़ील में अर्बनाइजेशन या अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा रहा है। सो इफ़ यू सी इन आफ्टर 1970s इट इज़ ग्रोइंग कंटिन्यूसली। इन 2010 इट वॉज 84.6%। सो ब्राज़ील इज़ हाईली अर्बनाइज कंट्री। अर्बनाइज मतलब क्या होता है कि ज़्यादा अर्बन एरियाज है ब्राज़ील में। इफ़ यू कंपेयर अदर कंट्रीज़ वहाँ इतना अर्बन एरियाज नहीं होता है, ब्राज़ील में ज़्यादा अर्बन एरियाज है। ब्राज़ील का डेवलप्ड कंट्री नहीं है, डेवलपिंग कंट्री है। इंडिया इज़ ऑल्सो डेवलपिंग कंट्री, बट इफ़ यू कंपेयर इंडिया एंड ब्राज़ील, इन इंडिया अर्बनाइजेशन इज लेस एज कम्पेयर टू ब्राज़ील। ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा है, मोर देन 80% पीपल आर लिविंग इन सिटीज़। ओनली 16% अराउंड 16% पीपल आर लिविंग इन सिटीज़, सॉरी इन विलेजेस। इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं और ये कंटिन्यूसली बढ़ता ही जा रहा है। ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, ब्राज़ील इज़ वन ऑफ द फ्यू डेवलपिंग कंट्रीज विच इज़ हाईली अर्बनाइज। और डेवलपिंग है, डेवलप्ड कंट्री बहुत सारे हैं जो अर्बनाइज है ज़्यादा, लेकिन ब्राज़ील क्या डेवलपिंग कंट्री है विच इज़ हाईली अर्बनाइज। ब्राज़ील सब्सटैशियल अर्बन ग्रोथ प्रोसेस इज यूनिक एंड वन ऑफ द अंडरलाइनिंग फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू प्रेजेंट डे रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। कि ज़्यादा सिटीज़ में लोग रहते हैं
उसके वजह से क्या हो रहा है, उनका इकोनॉमिक ग्रोथ भी अभी ज़्यादा ज़्यादा होते जा रहा है। हमें क्या करना है कि सपोज इंडिया में कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो फैक्ट्री स्टार्ट होगा, उसके बाद लोग बाहर से आएंगे वहाँ काम करने के लिए, बाद में वो सिटी बनेगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ब्राज़ील में कैसे, ऑलरेडी सिटीज़ में ही लोग रहते हैं, तो उसके आसपास अगर हमने फैक्ट्रीज लगा दिया तो लोग उनको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। उसके वजह से ब्राज़ील का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बहुत फास्ट हो रहा है। ठीक है, टुडे अराउंड 86% ऑफ पीपल, ब्राज़ील पॉपुलेशन लिव्स इन अर्बन एरियाज। सो अराउंड 86% पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज। डेफिनेशन ऑफ अर्बन इज नॉट वेरी क्लियर इन ब्राज़ील। इन ब्राज़ील रैपिड अर्बनाइजेशन हैपेंड मेनली इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट विद साओ पोलो इमर्जिंग एज अ मेजर मेट्रोपोलिटन एंड इंडस्ट्रियल एरिया। अभी हमने ब्राज़ील का स्टडी किया था, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, बाद में ह्यूमन सेटलमेंट देखा। यू हैव अंडरस्टूड दैट इन सम पार्ट्स ऑफ ब्राज़ील मोर पीपल आर लिविंग, बट देर आर सम पार्ट्स वेयर वेरी वेरी लेस पीपल आर लिविंग, लाइक द वेस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील, सेंट्रल पार्ट ऑफ ब्राज़ील, अमेजॉन रिवर बेसिन का जो एरिया है वहाँ बहुत कम लोग रहते हैं ब्राज़ील में। ज़्यादा कहाँ रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं साउथ और साउथ ईस्ट में। अगर ब्राज़ील का मैप आप देखोगे तो, सॉरी मैप दिखाता हूँ मैं आपको, ये ब्राज़ील का मैप अगर हम देखेंगे तो इस एरिया में साउथ में और साउथ ईस्ट में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, कि यहाँ सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, ये इस अंदर वाले एरिया में बहुत कम लोग रहते हैं। और यहाँ जो स्टेट है साओ पोलो इज़ मेट्रोपोलिटन एरिया, मुंबई दिल्ली कैसा है इंडिया में वैसे, साओ पोलो में सबसे ज़्यादा लोग अर्बन एरियाज़ में रहते हैं। ठीक है, देन सो लुकिंग एट द ग्रोथ इन फ्यू पार्ट्स ऑफ द कंट्री, द गवर्नमेंट इज़ प्रमोटिंग गो वेस्ट पॉलिसी। अभी हम ब्राज़ील के बारे में देखेंगे, ब्राज़ील का मैप अगर हम देखते हैं तो मैंने बताया कि इस एरिया में साउथ ईस्ट और साउथ, मतलब साउथ सॉरी साउथ और साउथ ईस्ट, इस एरियाज में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। आपको यहाँ दिखेगा भी अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा है, जो डार्क कलर है वो ज़्यादा दिखा रहा है अर्बन, 91 to 100% पीपल यहाँ अर्बन एरियाज़ में रहते हैं। लेकिन आप अगर देखोगे ये ब्राज़ील का ईस्टर्न पार्ट है या वेस्टर्न पार्ट है, इफ़ यू सी द वेस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील, देयर वेरी फ्यू पीपल आर लिविंग और अर्बनाइजेशन इज़ वेरी लेस। तब यहाँ क्या हो गया, बहुत क्राउडेड एरिया हो गया है और यहाँ कोई रहता नहीं है। ठीक है, तो ब्राज़ील का गवर्नमेंट क्या सोच रहा है कि इस एरिया को हमें फ्री करना है, यहाँ का जो पॉपुलेशन, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है उसे निकाल के, उसे यहाँ से निकालना है और अंदर शिफ्ट करना है। तो गो वेस्ट पॉलिसी है उनका, मतलब ये पॉपुलेशन को बोल रहे हैं कि आप वेस्ट की तरफ चलो। मतलब ये ब्राज़ीलिया जो सिटी है, जो उनका कैपिटल है, ये कैपिटल भी उन्होंने इसी इंटेंशन से बनाया था कि कैपिटल अगर शिफ्ट करेंगे हम तो क्या होगा, वहाँ के जो लोग हैं, यहाँ रहने वाले लोग हैं, वो यहाँ मूव करेंगे, क्योंकि कैपिटल अगर बनता है तो वहाँ बहुत सारे ऑफिसेस होते हैं, बिजनेसेस होते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ से माइग्रेट करेंगे, और किया लोगों ने। सो ब्राज़ील इज़ प्रमोटिंग गो वेस्ट पॉलिसी। गो वेस्ट मीन्स दे आर टेलिंग पीपल दैट गो टू वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द ब्राज़ील वेर लेस पीपल आर लिविंग, दे आर मेकिंग न्यू सिटीज़ हियर सो दैट पीपल विल लिव एंड द प्रेशर ऑन दिस पार्ट्स विल बी रिलीज्ड। यहाँ का जो प्रेशर है पॉपुलेशन का वो कम होगा। इफ़ यू टेक एग्जाम्पल ऑफ मुंबई ऑल्सो, मुंबई में आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, क्योंकि बहुत कम जगह में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है, मुंबई के आसपास नए नए सिटीज़ बना रहे हैं, जैसे नई मुंबई बना, उसके बाद कल्याण डोंबिवली जो एरियाज है आपको पता होगा, तो या फिर विरार वसई, ठीक है, ये एरियाज में अभी नए नए बिल्डिंग्स बन रहे हैं या नए नए टाउनशिप्स बन रहे हैं, सो दैट पीपल हु आर लिविंग इन मुंबई दे कैन गो देयर एंड दे कैन लिव। लेकिन उनको फैसिलिटीज़ भी देना पड़ता है, गवर्नमेंट को ट्रेन बसेस भी देना पड़ता है। अगर फैसिलिटीज़ दोगे तो लोग दूर जाके रहना पसंद करते हैं, फैसिलिटीज़ ही नहीं होगा तो क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा। सो गवर्नमेंट अलॉन्ग विद मेकिंग हाउसेस और मेकिंग सिटीज़, गवर्नमेंट शुड ऑल्सो प्रोवाइड फैसिलिटीज़। सो वो ब्राज़ील का गवर्नमेंट कर रहा है। सो गो वेस्ट पॉलिसी विच विल रिड्यूस प्रेशर ऑन द फ्यू एरियाज वेयर पॉपुलेशन इज कॉन्सेंट्रेटेड एंड विल रिड्यूस रीजनल इम्बैलेंस। रीजनल इम्बैलेंस मतलब क्या, कि किसी रीजन में ज़्यादा लोग रहते हैं, किसी रीजन में कम लोग रहते हैं, सो दैट इज़ इम्बैलेंस। सो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रिड्यूस द इम्बैलेंस, मतलब जो इम्बैलेंस है उसे कम करना चाहता है गवर्नमेंट, ताकि ज़्यादा जहाँ लोग रहते हैं वहाँ से लोगों को बोल रहा है कि आप वेस्ट की तरफ चलो। स्टडी द क्लोरोपेथ मैप ऑफ ब्राज़ील, जो हम आगे देखेंगे। विच स्टेट रीजन आर द मोस्ट अर्बनाइज, अगर आप मैप देखोगे ये तो सबसे ज़्यादा अर्बनाइज कौन सा है। अभी कैसे देखना है ये, पहले हमें इंडेक्स देखना है उसका। इंडेक्स अगर आप देखोगे मैप, जो ग्राफ मैप है, तो आपको ये कलर शेड दिख रहा है, तो ये कलर शेड मतलब क्या, सबसे ज़्यादा अर्बनाइज, जितना लाइटर होता जाएगा उतना वैल्यू कम होगा। सो ये जो सिटीज़ है, सॉरी स्टेट्स है, और साओ पोलो, रियो डी जेनेरियो, एस्पेरेटो सांटो, ठीक है, ब्राज़ीलिया है जो कैपिटल है, गुआसिस, ये जो एरियाज़ है यहाँ सबसे ज़्यादा लोग अर्बन एरियाज़ में रहते हैं। सो इट इज़ मोर देन 91% और 90% 91 to 100%। उसके बाद ये कुछ नेबरिंग स्टेट्स है, उसके बाद देखोगे तो कलर शेड शेड कम होते जा रहा है। 51 60 कहाँ आएगा, पैरा, मनहारो,
ये जो सिटीज़ है, ये जो स्टेट्स है सॉरी, यहाँ ये पैरा एंड मरहानो आर स्टेट्स, यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पॉपुलेशन अर्बन एरियाज़ का कम है, अर्बन एरियाज़ में पॉपुलेशन कम है, ठीक है। ये एक एक्सेप्शन है यहाँ मनाउस, मनाउस में क्यों ज़्यादा लोग रहते हैं, यहाँ आपको दिख रहा है कि डार्कर शेड है, मतलब यहाँ अर्बन एरियाज़ अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा है। सो व्हाट इज़ द रीज़न, ये अगर आपको देखना है तो आपको पता होना चाहिए कि मनाउस अगर जो जो सिटी है वो एक रिवर के कॉन्फ्लुएंस में, जहाँ दो तीन रिवर मिलती है वहाँ सिटी है वो, इट इज़ वन ऑफ द पोर्ट, पोर्ट है वो, तो सिटीज़ सॉरी पोर्ट है, तो क्या होगा वहाँ बहुत सारे शिप्स आएंगे, शिप्स आने के बाद क्या होगा वहाँ बिजनेस होगा, ट्रेड होगा, जितना ज़्यादा बिजनेस होगा उतने लोग वहाँ ज़्यादा रहेंगे। सो बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ दिस, इवन दो इट इज़ इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ ब्राज़ील, बट हियर द पॉपुलेशन इज़ मोर इन अर्बन एरियाज बिकॉज इट इज़ अ पोर्ट, यहाँ बिजनेसेस बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है लोगों को पैसा कमाने का, तो लोग ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। हाँ, कंपेयर द लाइन ग्राफ शोन इन द फिगर 7.5, ये आप कंपेयर करके देखो कि ब्राज़ील का और इंडिया का कंपेयर करो, ये आपको दिख रहा है कि यहाँ एक विलेज है जहाँ बहुत ज़्यादा लोग कम एरियाज में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, बहुत सारे घर है क्योंकि यहाँ बिल्डिंग्स बनाने के लिए या घर बनाने के लिए जगह नहीं है, ठीक है। हाँ, विच फैक्टर्स हैव अफेक्टेड अर्बनाइजेशन इन ब्राज़ील, अभी अर्बनाइजेशन इन ब्राज़ील हमने देखा था कि कौन से फैक्टर्स है, सबसे पहले तो क्या है कि या इस एरियाज में ज़्यादा लोग कॉन्सेंट्रेटेड है बिकॉज द फैसिलिटीज़ आर वेरी लेस इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ ब्राज़ील, द इंटीरियर पार्ट ऑफ ब्राज़ील आर कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, देन देर आर वेरी वेरी बिग रिवर्स, सो देर इज़ नो एरियाज, देर इज़ नो प्लेस टू मेक हाउसेस और टू मेक ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क लाइक रोड्स, रेलवेज, ओके। देन क्लाइमेट इज़ ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर सेटलमेंट, उसके वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग जहाँ सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल है वहाँ रहते हैं, तो अंदर नहीं जाते, गवर्नमेंट अभी प्रमोट कर रहा है, गवर्नमेंट जितना प्रमोट करेगा उतना लोग वेस्ट की तरफ जाके रहेंगे। जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, अर्बनाइजेशन हैज़ ऑकर्ड मोर इन द कोस्टल स्टेट्स दैन स्टेट्स इन द इंटीरियर ऑफ द कंट्री, कोस्टल स्टेट्स जो है मतलब ये जो कोस्ट पे स्टेट्स है, एस्पेरिटो सैंटो, रियो डी जेनेरियो, सो पोलो, जो कोस्ट पे, अटलांटिक ओशन के कोस्ट पे, वहाँ बहुत ज़्यादा लोग सिटीज़ में रहते हैं, अर्बनाइजेशन यहाँ ज़्यादा हुआ है लेकिन इंटीरियर पार्ट में नहीं हुआ है। ये पता होना चाहिए कि आपको कि जो बाहर से लोग आए थे ब्राज़ील में, जो सेटलर्स थे, वो सबसे पहले इस कोस्ट पे आए थे, तो इन लोगों ने यहाँ आके अपने अपने सेटलमेंट्स बनाए, तो वही सेटलमेंट्स आज बड़े बड़े सिटीज़ बन गए, ये भी एक रीज़न है कि अंदर तक वो गए ही नहीं, तो उसके वजह से अंदर डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हुआ। सो स्टेट्स लाइक सो पोलो, गोयासिस, मिनास गेरास हैव मोर अर्बन पॉपुलेशन दैन स्टेट्स इन द नॉर्थ, एज अ पॉपुलेशन इज लेस इन द अमेजॉन बेसिन एंड ब्राज़ीलियन हाईलैंड। सो नॉर्थ के जो स्टेट्स है, यहाँ आपने देखा होगा पैरा, मरहानो, यहाँ बहुत कम पॉपुलेशन है अर्बन एरियाज़ में, लेकिन जो साउथ के स्टेट्स हैं वहाँ ज़्यादा है, इज़ लेस इन अमेजॉन बेसिन एंड ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स, अर्बनाइजेशन इज ऑल्सो लेस इन दिस पार्ट, सो यहाँ अर्बनाइजेशन लेस है, पॉपुलेशन भी कम है। इन दिस पार्ट मनाउस इज द पोर्ट ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ नेग्रो एंड अमेजॉन रिवर, ये जो मनाउस पोर्ट है वो कॉन्फ्लुएंस, कॉन्फ्लुएंस मतलब क्या, संगम, जहाँ दो नदी एक मिलती है, दैट इज़ कॉल्ड एज कॉन्फ्लुएंस, सो नेग्रो रिवर और अमेजॉन रिवर का जो कॉन्फ्लुएंस है वहाँ एक पोर्ट है, वहाँ एक सिटी है मनाउस, सो बिकॉज ऑफ दिस बिग बिग शिप्स आर कमिंग, वहाँ बिजनेसेस बहुत ज़्यादा होता है, ट्रेड होता है, उसके वजह से वहाँ लोग ज़्यादा रहते हैं। सो इन दिस पार्ट मेनाउस इज द पोर्ट ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ नीग्रो एंड अमेजॉन, अर्बनाइजेशन इज ऑकर्ड हियर, तो उसके वजह से वहाँ अर्बनाइजेशन होता है, ठीक है। सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस थर्ड पार्ट ऑल्सो, इफ यू हैव अंडरस्टूड प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज, आई एम गेटिंग वेरी वेरी लेस व्यूज ऑन न्यू वीडियोज, सो आई एम नॉट पोस्टिंग मोर वीडियोज, जितना आप शेयर करोगे, जितना मुझे व्यूज अच्छे आएंगे उतने में शेयर करूंगा, उतने में नए नए वीडियोज भी अपलोड करूंगा, आगे के चैप्टर्स के भी अपलोड करूंगा। मैं अगर मेरे चैनल को एनालाइज़ कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि पुराने वीडियोस ही अभी तक लोग देख रहे हैं, जो फिफ्थ चैप्टर तक भी पहुँचे नहीं है, उसके पहले ही वीडियोस को व्यूज़ आ रहे हैं। मैं अभी नया वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, और जो जेन्युइन लोग हैं, जो 10th स्टैंडर्ड, अभी ये वीडियो अपलोड करूँगा तो 8th वाले भी व्यू करते हैं, 10th स्टैंडर्ड वाले भी व्यू, 9th स्टैंडर्ड वाले भी व्यू करते हैं, तो मुझे समझ में भी नहीं आता कि कौन से कितने लोगों ने व्यू किया, सिर्फ क्लिक करके छोड़ देते हैं, उनको लगता है कि चलो हमारा वीडियो है, क्लिक कर देते, बाद में पता चलता है कि 9th का नहीं है, 10th का है, तो क्लोज कर देते हैं, सो दैट इज़ नॉट यूज़फुल, वो नहीं करेंगे क्लिक तो भी चलेगा, व्यूज़ अगर नहीं आया तो भी चलेगा, क्योंकि वो यूज़लेस व्यू है। सो जेन्युइनली अगर देखना है तो क्लिक करो और देखो पूरा वीडियो आप, और शेयर करो वीडियो, जितना मुझे व्यूज़ अच्छे आएंगे उतने में नए नए वीडियोज़ अपलोड करूँगा, नहीं तो कुछ यूज़ नहीं है, मैं अपलोड कर रहा हूँ और मुझे कुछ 100 व्यूज़ आ रहे हैं, उसमें से भी 50% 60% व्यूज़ तो यूज़लेस है, क्योंकि सब क्लिक करते हैं, बाद में पता चलता है उनका वीडियो नहीं है, बंद कर देते, ठीक है। सो प्लीज़ कीप शेयरिंग, and again thank you for watching.